सो हे गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम लोग खड़े हैं एकदम यमुना जी के तट पे। आप पीछे देख सकते हो कि माघ मेले का काम चल रहा है। मतलब इतना सुकून लग रहा है ना, कुछ बात करने का मन ही नहीं कर रहा, पहले व्यू एंजॉय करने का मन कर रहा है। तो पहले आप भी एंजॉय करिए व्यू को। हाँ भाई भाई, तो तीन शॉट लेने के बाद चुरमुरा जरूर लेंगे। सन भाई व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आऊँ मैं फिर से अपने प्रमोद भाई और प्रशांत भाई के साथ। और यहाँ पे हम लोग आए थे कि यमुना के तट पे देखने की क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, घूमने आए थे, एंजॉय करने आए थे। तो व्यू बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पे रुक गए और सोचा कि थोड़ा बहुत आपको भी दिखाते चले और वीडियो बनाते चले। तो दोस्तों देख रहे हो आप पीछे माघ मेले का काम चल रहा है जोरों शोरों से प्रयागराज में, और माघ मेले के टेंट वेंट भी लग चुके हैं उस किनारे। वीडियो में तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, उस पार है, मतलब नदी के उस पार। और जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ ना, तो ये दोनों साले देखो करते रहते हैं। अरे तुम लोगों को कुछ काम हुआ, मैं बस देखो तो खाने लग जाता हूँ। वीडियो बनाने आके खाने चाचा की वीडियो लीजिए। चुरमुरा बनाते हैं, पापड़ी चाट बनाते हैं। चाचा क्या रखे हैं? भेलपूड़ी भी है चाचा। चाचा तो अच्छा है ना चाचा, भेलपूड़ी नहीं। ब्लॉग व्लॉग बाद में बनाएंगे, पहले चाचा की भेलपूड़ी देख ले क्या बना रहे हैं। चुरमुरा उरमुरा चाचा थोड़ा मत देना, ये थोड़े में बुरा मान जाता है। चम्मच ले लिए पहले, ये बेकार निकल गया। अरे वीआईपी चम्मच, लकड़ी वाले चम्मच वीआईपी नहीं होते। वो आदर्श अब क्या बनाएं? लो भाई आदर्श, अब झाल मुड़ी बनाएं। भाई खा लो यार झाल मुड़ी। लो आदर्श तुम नाराज हो जाओगे तो एक प्लेट फ्री में हो जाएगा। क्यों चाचा सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो आप भी खा लीजिए, आप क्यों शूट कर रहे हैं? नहीं हम खा लेंगे, अरे बनाने तो दो यार। संगम प्यार की नगरी है। क्या है संगम? प्रेम की नगरी है। ओहो तो प्रेम से आपको देखे यहाँ पे। प्रेम कहाँ है? त्रेता युग में जब राम का चरण पड़ा था धन्य हुआ संगम। ओहो इसलिए इसका प्रसिद्ध स्थल माना गया है। वाह जानकारी। आपको चाट पापड़ी खाओगे मजा आ गया। मजा तो हमारे इकलौते फूड ब्लॉगर जो कि प्रयागराज के फेमस फूड ब्लॉगर है वो खा के बताएंगे। गन्नू भाई का पेट देख के लगता है कि ये फूड ब्लॉगर बन सकते हैं। तो कैसा है गन्नू भाई? भाई आप भी खा लो नहीं तो फिर बचेगा नहीं। हमारे चाचा दिख रहे हैं। हाँ वैसे ही चीज बना हुआ है भाई। अच्छा अच्छा। अरे गन्नू भाई गिराओ मत यार नीचे। प्रशांत भाई भाई तुम्हारा संति हो रहा है, कुटा लो। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्लेवर भी है। हाँ, सेव पूरी। सेव पूरी। खाए खाए आप खाए। भाई पूरी कौन सी बने दिखाओ जी, आप कहाँ से क्या है? यहीं के बाहर के आप? पुस्तैनी का। कहाँ के? कहाँ के रहने वाले? नैनी बाजार के हैं। अच्छा अच्छा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शियार्ट्स में। तो चाचा जी की भेलपूड़ी बहुत अच्छी थी। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे सोमेश्वर महादेव मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, आपको दिखाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। तो आपको पता है प्रयागराज जो आस्था की नगरी है तो बहुत सारे मंदिर हैं, खासकर घाट के किनारे ही हैं, यमुना जी के तट पे या गंगा जी के तट पे। तो उनमें से बहुत ही पुराना बहुत ही फेमस मंदिर है सोमेश्वरनाथ मंदिर। तो सब कोई तैयार हो गया है स्कूटी पे अपने निकलने के लिए, मुझे भी बाइक चलानी है। तो चलते हैं और मिलते सीधे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे सोमेश्वर महादेव घूमने, लेकिन उसके बीच में हमें ये एक और टेंपल दिखा जो अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। यहाँ पे बात करने पता चला कि ये जो मंदिर है वो 1980 से बन रहा है, मतलब इसको करीबन 40 साल के आसपास हो गए, लेकिन ये मंदिर कम्प्लीट नहीं हो पाया। ये जो मंदिर था पहले तो मंदिर के पर्पज से बनाया जाता, लेकिन 2008 में जो इस मंदिर का निर्माण करा रहे थे उनकी डेथ हो गई, तो उन्हीं की समाधि अंदर बना दी गई है और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
तो देखने में बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्ट्रक्चर लगा, तो हम लोग पहले यही रुक गए। चलते हैं वहां पे, देखते हैं क्या है और आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम होगा तो आगे चलते हैं फिर सोमेश्वर। भाई मंदिर तो देखने में बड़ा सही लग रहा है यार, बन जाता तो बहुत खूबसूरत मंदिर होता है यहाँ का। जितनी भी जमीन है हाँ, सब मंदिर ही की है पूरा, सारी सारी जमीन तो मंदिर ही बनेंगे। हाँ मतलब इस पे और बिल्डिंग बनेगी। देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन यार फिर बन नहीं पाया। अच्छा कौन प्रधानमंत्री भी आते थे, प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेने जाते आते थे। अच्छा जिनकी समाधि अभी है, दिव्य शक्ति थी, दिव्य शक्ति इनके पास जो महेश योगी है। हाँ महेश योगी जी, इन्होंने पहली बारिश करवाई थी। अच्छा मतलब इतनी शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी। लेकिन इतना भव्य मंदिर बन रहा था, रुक गया काम इसका, तो बहुत बेकार लग रहा है देख के। अब चलते हैं देखते कितना अभी तक बना हुआ है और क्या काम चल रहा है उसमें। हाँ मंदिर इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में, मतलब प्रशांत भाई तुम्हारे बच्चे भी इसको देखते रहेंगे तब भी ये बनता रहेगा। हो सकता है प्रशांत भाई दूसरा अवतार लेकर अपने बच्चे के रूम में आ जाए तब भी बनता रहेगा। एक्सपीरियंस होल्डर बोलते हुए ये पहले जो है बहुत नीचे गड्ढा था इसमें। अच्छा। गेट्स देख लो कितनी बढ़िया कार्विंग्स है, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स की गई गेट पे, मेटल का पूरा डोल। 10 मिनट लगा दिया गया, आप एंट्रेंस नहीं कर सकते अंदर। तो ये वही है जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके समाधि यहाँ पे बना दी गई है। इन्होंने इस मंदिर की शुरुआत की थी और इतना भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो अब रुक गया है। आप इस मंदिर को ध्यान से देखो तब आपको लगेगा कितना खूबसूरत मंदिर। इसके पिलर्स की कार्विंग्स को देखिए, सीलिंग की कार्विंग्स को देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। काश हम थोड़ा और पहले आ गए होते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स कम है तो फिर उसके बाद आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहे यहाँ के व्यू को और यहाँ की कार्विंग्स को। ये तो सीलिंग पर इतनी खूबसूरत कार्विंग्स की गई ना यहाँ पर, आप देख सकते हो इसे, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। होप करता हूँ अगर जल्दी ये पूरा हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर होगा, वन ऑफ द बेस्ट मंदिर होगा प्रयागराज का। लेकिन अभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, आकर विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो प्रमोद भाई अब क्या किया जाए, बहुत रात हो गई, कहाँ चलना, सोमेश्वर चले ना, घर चलते हैं। हाँ। सोमेश्वर तो बगल में ही है, इतना दूर आएगा फिर फिर एक जगह पर्टिकुलर आएंगे ना वो। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारे रैंडम ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो उसे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। गुड बाय।